बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके? आज मैंने सोचा कि कोई अच्छी सी डिश बनाई जाए जो बहुत मज़ेदार सी भी हो, तो मैंने आज स्टू का सोचा, स्टू बनाऊँ, स्टू सिखाऊँ आप लोगों को बनाना। इसके लिए हमने बड़ी बड़ी 8 प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया 1 बड़ा चमचा मैंने, दही 1 कप ली है, ऑयल आधा कप लिया है, आधा किलो गोश्त मैंने, हड्डियाँ भी डलवाई हैं बगैर हड्डी का लेके थोड़ी सी, और 4 हरी मिर्चें हैं गार्निशिंग के लिए, इसमें हरा धनिया है, साबित लाल मिर्च भी डलती हैं स्टू में, और नमक आप हसब जायका ले लें, गरम मसाला है पिसा हुआ, साबित गरम मसाला है, और लाल मिर्चें हैं कलर के लिए, वरना तो साबित मिर्च से भी कलर हो जाता है अगर आप कम खाते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल लेंगे, तो मैंने आधा कप लिया है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि रेसिपीज़ उनको भी अच्छी अच्छी मिल सकें। सबसे पहले हमने आधा कप ऑयल लिया है, और हम इसमें अब साबित गरम मसाला लेंगे, जो मैंने थोड़ा थोड़ा सब चीज़ें लिए, ज़ीरा, साबित लाल काली मिर्च, और ये लौंग, बड़ी इलायची। अब हमने इसमें 8 बड़े बड़े जो मैंने प्याज काटे थे, क्योंकि स्टू में प्याज ज़्यादा डलते हैं, इसको मैं समझे कि गोल्डन ब्राउन करूँगी, बिल्कुल सुरख नहीं करूँगी इस प्याज को, और इसमें नमक शामिल कर दूँगी। जैसे मैं बताती हूँ कि नमक डालने से प्याज का कलर अच्छा होता है और जल्दी भी हो जाती है फ्राई। अब हम इसे हल्का हल्का फ्राई करेंगे, जले नहीं प्याज बस, और लाइट कलर की हो, गुलाबी गुलाबी सी हो। जब हम इस स्टू में हमेशा कलर बिल्कुल डार्क नहीं किया जाता है प्याज का, लाइट सा रखा जाता है। ये बहुत पुरानी डिश है और बहुत मज़ेदार होती है, सभी घर वालों को बहुत शौक से खाते हैं, पसंद होती है, इसलिए ज़रूर बनाती हूँ मैं कभी कभी घर में। आप लोग भी ट्राई करें, और यकीनन बनाते भी होंगे बहुत से लोग। इसको हल्का हल्का बस कलर आना चाहिए, बिल्कुल डार्क नहीं होना चाहिए इसका कलर। ये देखें, मैंने इसे सही से भून ली है, हल्की हल्की आँच पे गुलाबी सी हो गई है। अब मैं इसमें और शामिल करूँगी, अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी और भूनूंगी थोड़ा सा इसे। गोश्त मैंने बछिया के लिया है, जो जल्दी गल जाता है, आधे पौन घंटे में गोश्त गल जाता है ये। अगर आप बड़े का जानवर का लेंगे तो फिर वो देर में गलता है। बहुत अच्छा गोश्त है ये, फौरन गल जाता है। आधा किलो गोश्त है यानी बछिया का, और इसमें मैंने थोड़ी सी हड्डियाँ डलवा ली थी अलग से एक्स्ट्रा। अब इसमें मैं बड़ा चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी, जो मैंने कूट लिया है, इसे बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है। एक 2 टमाटर कटे हुए नॉर्मल साइज़ के टमाटर, 1 कप दही है, ये लाल मिर्चें पिसी हुई 1 चम्मच, साबित मिर्चें आप अपने लिहाज से डालना, अगर कम खाते हैं तो 3 2 3 ही डाल लें, वरना तो मैंने 4 5 डाली हैं, 6 7, यानी बच्चे जब शौक से खाते हैं। गरम मसाला आधा मैंने अभी डाला है, फिर मैं ऊपर से डालूंगी गरम मसाला जब तैयार हो जाएगा। अब हम इसको एक बड़े प्याले में पानी भर के बाउल में रख देंगे उबल, यानी गोश गलने के लिए रख देंगे। तकरीबन 1.5 घंटे में मेरा गोश बिल्कुल तैयार हो गया था, गल गया था, गल जाता ही आराम से, बच्चिया का होता है क्योंकि छोटे जानवर का लें हमेशा गोश्त। चिकन में भी बनता है स्टू, चिकन का भी बहुत मज़ेदार होता है, चिकन में भी बना सकते हैं आप, बकरे में भी बना सकते हैं। ये देखें, थोड़ा सा हल्का सा फ्राई हो जाएगा, फिर हम इसे वैसे भी भूना ही वही बनाते हैं, तो इसको इतना ज़्यादा भूनने की अभी ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें एक बाउल में पानी भर के डाल देंगे और ढकना ढक के रख देंगे, हल्की आंच पे गलता रहेगा गोश्त। बहुत अच्छी डिश होती है, हल्के हल्के मसाले की भी होती है, यानी बहुत ज़्यादा मसालों से भी खाना बाज़ अवकात अच्छा नहीं लगता, दिल नहीं चाहता खाने का, तो आप ये हल्का सा मसाले की डिश बना सकते हैं, बस सबको ही पसंद आती है घर में। फिर ये चपाती से खा लें, इसके साथ दाल चावल बना लें, या तो अब मैं इसे 45 मिनट्स के लिए रख दिया। देखें, ये मेरा गल गया था, मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें भी शामिल कर दी थोड़ी देर में इसमें,
अब मैं गार्निशिंग में भी इसमें शामिल करूँगी। तकरीबन 1 घंटा लगता है बनने में, वैसे बड़ा गोश्त हो तो, वरना ये तो मैंने 1.5 घंटे में ही बन गया, 45 मिनट्स में। ये देखे मैंने डिश आउट कर दिया, कितना अच्छा सा कलर आया है इसका, गोश्त बहुत अच्छा था ये। इसमें हरा धनिया और गरम मसाला पिसा हुआ ऊपर से भी डाल दिया मैंने, और हरी मिर्चें, बहुत अच्छा लगता है। ज़रूर ट्राई करें आप लोग बना के, सर्दियों में भी अच्छी डिश है ये भी, सर्दियों के लिए बहुत मज़ेदार डिश है। आप मुझे इजाज़त दें और ज़रूर ट्राई करें।